हेलो फ्रेंड्स, संगीतास वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मसालेदार ड्राई भिंडी की सूखी सब्जी बनाएंगे और आम रस एंड पूरी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम आम को कट करके रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हमने चार आम दिया है, तो आम के ऊपर से स्किन निकाल के आम को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो लीजिए, हमने चार आम को कट करके रेडी कर लिया है। तो चलिए, ये कट किया हुआ आम है ना, मिक्सर के कंटेनर में डाल देते हैं। तो कंटेनर में सबसे पहले हम आइस डालेंगे, उसके बाद कट किया हुआ आम। अच्छे से स्मूथ प्यूरी बना लेते हैं। तो लीजिए, हमारा ठंडा ठंडा आम रस रेडी हो चुका है। तो ये रस को हम फ्रीज में रख देते हैं। तब तक हम पूरी के लिए आटा रेडी करेंगे। 2 कप भर के कथरोट में गेहूं का आटा डालेंगे। स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ी सी हींग, आधी स्पून जितना हल्दी पाउडर, आधी स्पून जितना लाल मिर्ची पाउडर, 2 टेबल स्पून जितना मोई के लिए तेल, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा रेडी करेंगे। ज्यादा हार्ड भी नहीं रखेंगे, ज्यादा नरम भी नहीं रखेंगे, मीडियम पर रखेंगे। तो लीजिए, पूरी के लिए हमारा आटा रेडी हो चुका है। थोड़ा सा तेल डाल के आटा को अच्छे से मसल के ये आटा को हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तब तक हम भिंडी की सब्जी बनाने के लिए, यहाँ पे हमने भिंडी को भी कट किया है और आलू को भी कट किया है और रेड वाला कैप्सिकम को कट किया है। अगर आपके पास भिंडी कम है और सब्जी ज्यादा बनाना है तो इस तरह से आलू एंड कैप्सिकम डाल सकते हो। तो कढ़ाई में अराउंड 3 से 4 टेबल स्पून जितना तेल डालेंगे, 1 टेबल स्पून जितना जीरा, 2 लाल सूखी मिर्ची, 10 से 15 रोस्टेड काजू, थोड़ी सी हींग, 2 टेबल स्पून जितना व्हाइट तिल, आधी स्पून जितना हल्दी पाउडर, उसके बाद कट किया हुआ आलू डालेंगे। आलू को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम भिंडी ऐड कर देते हैं। भिंडी को भी मिक्स कर लेते हैं। तो भिंडी एंड आलू को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो कढ़ाई के ऊपर ढक्कन बंद करके अराउंड 7 से 8 मिनट तक हम ये सब्जी को मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देते हैं। 8 मिनट के बाद हम देख लेते हैं। तो आलू है ना, हमारा अच्छे से पक चुका है। भिंडी भी पोनी जैसी पक चुकी है। तो ऊपर से स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, उसके बाद 1 टेबल स्पून जितना लाल मिर्ची पाउडर डाल के सब्जी को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सब्जी में कलर भी बढ़िया आ जाए। मिक्स करने के बाद ऊपर से कट किया हुआ रेड वाला कैप्सिकम डाल देते हैं, उसके बाद धनिया जीरा पाउडर, उसके बाद हमने काजू का पाउडर लिया है वो भी डाल देंगे, उसके बाद गरम मसाला, उसके बाद लास्ट में लेमन जूस डालेंगे ताकि सब्जी ज्यादा टेस्टी बने। सब्जी को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम 1 मिनट के लिए ये सब्जी को पकने के लिए रख देते हैं मीडियम फ्लेम पर। 1 मिनट के बाद देख लेते हैं। तो लीजिए, हमारी ड्राई भिंडी की सब्जी बनके रेडी हो चुकी है। टेस्ट में बहुत बढ़िया बनी है। ऊपर से फ्रेश धनिया डाल के ये सब्जी हम गैस ऊपर से नीचे ले लेते हैं। और दूसरी साइड हमने पूरी के लिए आटा बनाया था ना, वो भी स्मूथ बन गया है। तो चलिए, उसमें से हम स्मॉल साइज का बॉल्स बना लेते हैं पूरी के लिए। तो पूरी की साइज आपको जितनी रखना है उस हिसाब से बॉल्स लेना है। तो लीजिए, यहाँ पे हमने जो डो बनाया था ना, उसका हमने बॉल्स बना लिया है। तो चलिए, हम पूरी भी बेल लेते हैं। और दूसरी साइड मैंने तेल भी गरम करने के लिए रख दिया है। तो तेल भी गरम हो रहा है ना, तब तक हम पूरी भी बेल लेते हैं। तो लीजिए, यहाँ पे हमने पूरी बेल लिया है। तो चलिए, ये पूरी को हम फ्राई करेंगे।
मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम ये पूरी को फ्राई करेंगे। तो गरमा गरम हमारी पूरी भी फ्राई हो चुकी है और यहाँ पे हमारी मसालेदार ड्राई भिंडी की सब्जी भी रेडी है और गरमा गरम पूरी भी रेडी है और ठंडा ठंडा आम रस भी रेडी है। तो चलिए हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्लेट में गरमा गरम पूरी रखेंगे, उसके बाद भिंडी की सब्जी, ठंडा ठंडा आम रस। तो लीजिए हमारी गरमा गरम मसाला पूरी, ठंडा ठंडा आम रस एंड ड्राई भिंडी की सब्जी खाने के लिए रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ही मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड ये रेसिपी आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।